अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हमारा हुंजा जाने का प्लान है। ये मेरे मुल्तान वाले दोस्त आए हैं स्पेशल मिलने के लिए। हमने काफ़ी देर से चाय मंगवाई हुई थी, चाय और पराठे, थोड़ा स्टार्टर यू नो। ये हमारे पराठे आ गए हैं, वो चिकन पराठा और ये सिंपल पराठे। चाय ले आओ जी उस्ताद जी। गाइस हम लोग निकल चुके हैं हुंजा की तरफ और पराठे हमने ले लिए, चेरी से छुपाए हैं, ये छोड़ नहीं रहा था बिल्कुल। हमने 5-6 पराठे मंगवाए हैं, अंदर घर गया। फिर मेरे कज़न ने आँख मारी, मैंने कहा ये, वो कहता है कि ये पैक करवाएंगे ताकि ये बच जाए, हम आराम से सुकून से खा लें। बाकी आपको रास्ते में अपडेट देते रहेंगे। वैसे हम में से किसी की भी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो हमने उम्मीद से भी सफ़र करके, ये भाई मेरे मुल्तान से सफ़र करके आए, इन्होंने सिर्फ इनके साथ ही था रात भी, बल्कि हमारे साथ ही, हम भी जिगराते में हैं। लेकिन चलें, होप्स हो कि ये व्लॉग बहुत मज़े का हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज हमारे साथ जो दूसरी वाली गाड़ी है, उनको इतनी कोई जल्दी है जाने की, इतनी कोई जल्दी है, आपको मैं क्या बताऊँ। वो हमेशा उनको रास्ते का पता नहीं है, बट आगे निकल जाते हैं। तो हम गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल फुल करवा रहे हैं और इसके बाद हम निकलेंगे अगला री और शोला ड्राइवर की तरफ। ये मेरा कज़न है, बहुत प्यारा, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जा रहा है दुबई और मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। कुछ अच्छा पैगाम देना चाहें आप फैमिली को? फैमिली को कुछ नहीं, इंशाल्लाह वहाँ जा के देंगे, कामयाब होके देंगे, कामयाब होके और अच्छा कार के दिखाओगे, अच्छा कार के दिखाओगे, काम भी बताएंगे के उतने ही पैसों में ज़्यादा पेट्रोल कैसे डलवा दें। कैसे फुरकान भी स्लो स्लो, इतना स्लो। ये कितने पे रखी थी आपने पिन? 0.01। ऐसे पेट्रोल ज़्यादा आता है फुरकान भी की बकोल? अच्छा पेट्रोल आता है, साफ अच्छा पेट्रोल आता है, पाक पाक, मतलब फिर आपको गाड़ी माइलेज भी ज़्यादा देगी। फिर हम थारगोट पर पहुँच गए यार, बहुत लंबा सफ़र है, उम्मीद से भी ज़्यादा लंबा सफ़र है। वो हमारे दोस्त आ गए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे थे अभी। ये पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पे हंसना मना है। मैंने कहा क्यों, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि हंसना मना है? कहते हैं यहाँ ना सो, बाहर आगे जा गया सो। चलें सही, बाकी बस थोड़ा सा रास्ता रह गया। असल में हमने एक पुल है, पता नहीं कोई उससे पहले पहुँचना है, वो बंद हो जाता है, हर एक घंटे के बाद खुलता है। फिर तो रास्ते में ब्लॉग नहीं बना सके। यहाँ पर अब ये लोग जैकेटें नहीं देख रहे, और ये मांग रहे हैं मेरे से, और मैं दो ही जैकेटें ले के आया हूँ, और लड़के ये 10 हैं। तो लेकिन देखते हैं क्या बनता है आगे, मैंने देनी शनी कोई नहीं है। चलो फिर अब इनको चेक कर रहे हैं, फजूल में चेक कर रहे हैं, कुछ है नहीं। गाइस हम पता नहीं कौन सी जगह पे रुके हैं, ये ऊपर से पूछ के आया सलान वॉशरूम की तरफ, ये जगह बताइए। इससे ज़्यादा डरावनी जगह पे वॉशरूम नहीं बना सकते थे मुझे लगता है। मैं वो लाने, वैसे छोड़, मैं तो कहता हूँ बाहर ही आ। चलो कर लेते हैं यार, मुझे समझा कर। खैर थोड़ी सी और बर्दाश्त कर ले, आगे भी चले जाएंगे। गाइस हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बकरे हमें मिल गए, लेकिन यार ये पके भी नहीं है। परे 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 खाई है, परे खाई है, परे खाई है। यार ये ऐसे अल्लाह वास्ते बैठे हैं बिल्कुल, बड़े यहाँ पे नेक लोग हैं। ये हमारे गांव में होते तो वहाँ कोई ना कोई एक उठा के साथ ले जाता। यार अभी भी 8 घंटे का रास्ता रहता है यार। अरे रास्ते ही नहीं खत्म हो रहा यार, ये टनल तो दिखाओ, चेक करो टनल बहुत जबरदस्त है। ये सारे पैसे इधर लग रहे हैं पाकिस्तान के, इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बना रहे हैं भैंस की। तो सारा पैसा जितना मैंने दिया फंड में सारा इधर लग गया। तो हमने टूल प्लाजे से 30 रुपए देते हुए मौत आती, भाग जाते हो वहाँ से भी। इस दफा से दिया भी नहीं है गाइस, बस बहुत सारी नींद आई हुई है, जाते हैं आगे। बस आपको भी इंतजार करवा रहे हैं, खुद भी इंतजार कर रहे हैं जाने का, पहुँच के आगे कैसा है उधर देखते हैं। इधर जो फ्लड्स वगैरह आ रहे थे पीछे बहुत ज़्यादा, उसके लिए यहाँ पे डैम बनाया है अभी, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है पानी का, तेज़ ही बिटाता है।
गाइस फाइनली वी रीच्ड पापे बाबू सर थक थक ये जो भी है यहाँ पे पहुँचे हम। अभी मुझे आगे पता नहीं, हमने शायद इस साइड जाना है, इस साइड बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ पे। ये भी एक होटल है बाबू सर के रेस्टोरेंट, बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं यार। मतलब इतनी ज़्यादा, उसकी ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा सफ़र था, इतनी ज़्यादा नींद और बिल्कुल सो नहीं सक रही थी क्योंकि रास्ता बिल्कुल सारी ऑफ रोडिंग के बीच में, ये तो अब थोड़ा सी खूबसूरती शुरू हुई है। बस अभी कुछ खाते हैं और कुछ खाते हैं दोस्तों। फाइनली हम गिलगित पहुंच गए हैं, मतलब हुंजा के लिए अब निकल आए, गिलगित से आगे निकल आए हैं इसकी दम। अच्छा चलो छोड़े यार, यहाँ पे ठंडे पानी से मुंह धोया है। तो मैं ये सोच रहा था यार, अगर इधर नाना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे, बहुत ठंडा था। लेकिन चलो यार, यहाँ पे हमने बस फ्रूट शूट लिया। यहाँ पे व्यू चेक करो आप, क्या पहाड़ आ रहे हैं, वाह फैंटास्टिक। लेकिन कैंटेस्टिक नहीं होता, फैंटास्टिक होता है। ये मेरा कज़न है, ये ग्रेजुएट है लगता है नीचे से। सेब पकड़ने के लिए ये खा गया यार, और तुझे तेरे लिए नया रखा हुआ, क्या हो गया, प्यार पड़ता है झूठा खाने से। मैंने इनके साथ प्यार नहीं पड़ा। हाँ तो यार हम उंजा पहुँच गए हैं। मैं इधर इतना किसी को जानता नहीं हूँ, कोई खास दोस्त वगैरह नहीं है, तो हमने यही यहाँ पे रूम लिया है। यार यहाँ पे होटल तो इतना लग्जरी नहीं है, लेकिन व्यू इतने खूबसूरत हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, सही प्यारी सीनरी बनती है यहाँ से। इतना प्यारा है, इतने मेहनत से पूल वगैरह लगाए हैं, ऊपर भी सारे पहाड़ वगैरह नज़र आते हैं, रोड का व्यू आता है, सेब अनार शनार सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। तो आज तो रेस्ट करेंगे, दो दिन से सोए नहीं हम, और कल निकलेंगे कहीं। रात को मैं भी उठ के बारबेक्यू को सामने स्टैंड लगा हुआ है वो करें हम, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे दोस्त बादाम चोरी करते हुए नीचे से चुन चुन के खा रहे हैं, वो दोस्त दूसरा क्या है आंटी से मांगने के लिए। आज अब्दुल्ला भैया आपको बादाम खिलाएंगे। ये भी ले लिया है, शोदे। गाइस मैं नहा लूं, उसके बाद जाएं कुछ खाने पीने, सोने तो उन्होंने नहीं देना हमेशा की तरह, और फिर रात को ही सोएंगे अब एक दफा। तो गाइस मैंने शॉवर ले लिया है, और अब हमें पता चला कि यार यहाँ पे कुछ अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं कोई वैसे यहाँ पे, मतलब जहाँ भी आप नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है ये पहाड़ी लोग हैं, ये नमक वगैरह ना ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं, नमक मिर्चें तो स्पाइसेस, तो ऐसा है कि हमें ख़ुद खाना बनाना पड़ेगा। और उसके अलावा ये है कि तुम बोल लो जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी कुछ आप ही इशारे करते बोले। मैंने कहा हम भी आपके साथ ही आए हैं जी, मुझे पता है। और कुछ दिखाओ, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। तेरी घर यहाँ पे सही, मतलब मरीजों वाला खाना मिलता है। तो अब देखते हैं आगे जाएंगे उधर, तो फिर देखते हैं कैसा है। मेरे पास नहीं है अभी, मेरे पास नहीं है। ये लो ये चाबी, जा जल्दी ले गया, भाग के ले गया यार। गाइस हम पिज़्ज़ा बामेर आ गए, और अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है, मैं खैरियत से। यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे, इधर की यही एक बेस्ट जगह थी। सीटिंग अरेंजमेंट तो इनकी सही अस्थाटक जी है। क्या हूँ, सर्दी लग रही है। हाँ तो गाइस हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, एक हमने यॉर्क पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और एक किंग सुप्रीम था, आई थिंक इनको छोड़ें, गोरे हैं मेरे।
अच्छा खैर, तो गाइज हमने पिज़्ज़ा वगैरह तो खा लिया, एक हमने यॉर्क पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और दूसरा किंग सुप्रीम था आई थिंक। उस वक्त उनके सामने तो हम बुरा लगता है बोलते हुए, लेकिन यॉर्क पिज़्ज़ा तो बिल्कुल नहीं खाया गया हमसे, हमने छोड़ दिया वो। और उसके अलावा जो था वो कुछ बेहतर था, मतलब अब कुछ भी नहीं खाया हुआ था हमने तो वो मजबूरी थी खाना, समझ जाए बाकी आप। और अभी हम हंसा के पुराने बाज़ार में हैं और अभी हम रूम जा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि कल हम कोई लोकल जगह जो है यहाँ पे वहाँ पे चले जाएं, या सीधा पंजाब पास जाएं, हमने जाना है चाइना बॉर्डर तक है, क्योंकि रोज़ फिर आना नहीं है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या प्लान बनता है। तब तक के लिए बाय बाय।